जिला बिलासपुर के झुंडुत्ता में एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क गई, लगभग 20 मीटर नीचे खाई में गिरी, जिसमें सवार लगभग 22 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 13 स्कूली बच्चे शामिल हैं। इस बस में स्कूल के बच्चे भी सवार थे। गनीमत ये रही कि बस में सवार स्कूली बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ये बस प्राइवेट दिमान बस सर्विस थी, जो कि मतोरन से बिलासपुर जा रही थी। ये बस मतोरन से बिलासपुर जा रही थी कि अचानक आनंद घाट के पास एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क नीचे लुढ़क गई। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने बचाव व राहत कार्य को अंजाम दिया। घायलों को झुंडुत्ता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बस में सवार स्कूली बच्चों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। घाट में आज हुसैन बस गिरी है, जो कि धनीबकर से बघेड़ के लिए जाती है। 8:15 बजे यहाँ से गुजरती है आनंदगार से। तो यहाँ इस बस में ज़्यादातर स्कूल के बच्चे होते हैं और ऑफिस वाले काफ़ी वर्कर होते हैं। तो इस बस में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण ये बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिर चुकी है, और काफ़ी जो स्कूल के बच्चे थे उनको थोड़ी थोड़ी चोटें आई हुई हैं, और जो ऑफिस वाले कुछ लोग थे, ऑफिस वाले पर्सन थे, उनको भी थोड़ी थोड़ी चोटें आई हुई हैं। भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है और बस को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा हुआ है, लेकिन जो बच्चे थे और जो इसमें सवारियां बैठी हुई थी उनको मामूली मामूली थोड़ी थोड़ी चोटें आई हुई है और सभी बच चुके हैं, ये भगवान का शुक्र है।